बंद करो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं फ्रूट इंडस्ट्री जो बैग बोन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, करीबन 35 से 40 लाख लोग जो इससे वाबस्ता हैं और पिछले 40-50 सालों से हम 60-70 सालों से हम ये सेब का धंधा करते हैं और कश्मीर वैली का जो प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दशावर है। चाहे अंगूर देखें, चाहे आप आम देखें, चाहे और कोई वैरायटी, 2-3 महीने में ख़त्म हो जाता है, लेकिन कश्मीर की प्रोडक्शन जो है ये करीबन 12 महीने कंटिन्यूसली चलता रहता है। अभी तक हमारा जो पिछले 5-6 सालों से जो मार्केट डाउन हो गया, हालात ख़राब हो गए, अर्ली बर्फबारी होगी, कोविड की वजह से और भी परेशानी होगी, मंडियां बंद रही, हमारा माल जो ग्रोवर है उसको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े। इस साल सेब कम था लेकिन साफ था, मार्केट पिछले 2 महीने पहले ठीक आ रहा था, लेकिन ईरानियन एप्पल जो और अफगानिस्तान का एप्पल जो हिंदुस्तान में घुस गए, इससे हमारी कमर टूट चुकी है और ये सीधा असर ग्रोथ में पड़ जाता है। करीबन 600-600 रुपये इस टाइम पेटी का फर्क है। और दूसरी बात, अहम एक बात यह है कि रनिंग में हमारा करीबन 1.5 से 2 करोड़ पेटी जो रनिंग में हिंदुस्तान की मंडियों में जाता है, और प्लस जो करीबन 2 से 2.5 करोड़ पेटी जो स्टोर में पड़ा हुआ, इसका मतलब इसका हशर क्या होगा, लोग कर्जों के नीचे दब जाए। हमारी एलजी साहब से आपकी वसादत से अपील है कि कम से कम हर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके इस पर बैन लगनी चाहिए ताकि यहाँ का ग्रोवर बच सके। अगर इन अपने ऊपर कदगंदी नहीं, हम रोडों पे आ जाएंगे, क्योंकि आप देखें ग्रोवर हर कोई आदमी जो अगर इम्प्लॉयमेंट भी को किसी की नौकरी भी है लेकिन घर में उसका बगीचा है, क्योंकि बगीचे से हमारी जिंदगी चलती है, हमारा रिसोर्सेज अगर हमारी है तो फ्रूट इंडस्ट्री है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। अगर इनने इस पर रोक नहीं लगाए तो हम सड़कों पे आ जाएंगे और प्रोटेस्ट हमारा ज़ोरदार हो जाएगा, जिसके लिए अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान दे दे। अभी जो ड्यूकॉम साहब ने जो बयान दिया, मैं उसकी सराहना करता हूँ, उन्हें कहा मैं एलजी साहब से बात करूँ, हमारे उनसे यही गुजारिश एलजी साहब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार प्रोटेस्ट करने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इस वक्त ग्रोवर जो है कर्जों से नीचे दब गया और जो हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, हमें एक खदशात महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में अगर यही हालत रहेगी तो यहाँ के जो लोग हैं काका कृषि पे आ जाएंगे। और चूंकि काका जी ने कहा कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हम पूरे जो जितने भी वैली के एसोसिएशन से उनसे कॉन्टेक्ट करके पूरा एक पूरा अमन मुजाहरा करेंगे और धरना देंगे। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इससे पहले कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई कार्रवाई करे और जो इल्लीगल तरीके से माल आ रहा है उस पर रोकथाम करे। ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट 25 साल से बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते आ रहे हैं। अब 2021-22 सेशन में मुख्तलिफ एग्जाम्स की कोचिंग जैसे 11th-12th, मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स और एंट्रेंस कोचिंग जैसे नीट एंड जेईई के लिए दाखिले का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के द्वारा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर कोर्सेज जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स, 1 ईयर डिप्लोमा, टेली, GST, शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ऑन स्पॉट मेगा स्कॉलरशिप भी दस्तियाब है। देर न करें और अपने बेहतर कल के लिए आज ही एडमिशन लें। हमारा पता है ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट, 3rd फ्लोर, मट्टू कॉम्प्लेक्स, रेड क्रॉस रोड, नजदीक जेके बैंक ब्रांच, अमीरा कदल, श्रीनगर। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 6006752050 और 9797018585। नॉर्थ कश्मीर में पहली बार डायरेक्शन सिनेप्सिस एडुकेयर लेकर आए हैं कोटा और दिल्ली की टॉप मोस्ट नेशनल लेवल की फैकल्टी, जो प्रोफेशनल वे में बच्चों को फाउंडेशन क्लासेस 8 से 10th और 11th-12th नीट एंड IIT JEE के लिए तैयार करेंगे। हमारी कोटा फैकल्टी टीम ने हजारों स्टूडेंट्स का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया है। करियर काउंसिलिंग या किसी भी क्वारी के लिए आप डायरेक्टली सोपोर में मौजूद हमारी कोटा फैकल्टी टीम से राब्ता कर सकते हैं। विजिट करें डायरेक्शन सिनेप्सिस एडुकेयर, सोपोर कैंपस ऑपोजिट जनरल सोमो स्टैंड, सोपोर, ब्रांच करनगर, श्रीनगर। फॉर मोर इन्फो यू कैन डायल आवर नंबर्स 7006280764, 9419024223, 9149741386।